नमस्कार सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए हम लोग काम कर रहे हैं इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए, लेकिन कोरोना काल में जो कुछ ट्रेन जो है उनको बंद कर दिया गया था, तो मेरी आपके माध्यम से ये रेलवे मंत्री जी से आग्रह है कि एक तो जो हमारे एरिया में कोटा हिसार एक्सप्रेस जो है और आनंद विहार अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस जो है उनको, जिनको सिरसा तक जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जिनको एक्सटेंड किया गया था उसको रिज्यूम किया जाए, और इसके साथ साथ जो जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज मंडीडब वाली में दिया जाए। ये मैंने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा था कि पूरे हम इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि कहां पर स्टॉपेज होना चाहिए कहां पर स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, तो ये मेरा आपके माध्यम से उनका रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ जो है मैं कहना चाह रही थी कि एलनाबाद सादुलपुर जो सेक्शन है वहां पर जयपुर दिल्ली की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ट्रेन सर्विस जो है वहां बढ़ानी चाहिए। और एक अंत में मैं कहना चाह रही हूं सभापति महोदय कि जो एक हरियाणा एक्सप्रेस के नाम से सिर्फ एक ट्रेन है पूरे हरियाणा में, तो उसको जो है वहां पर उसको वापस रिज्यूम किया जाए, और उसके साथ साथ उसमें आईसीएफ रैक लगाए जाए क्योंकि वहां पर ऑड आवर्स के अंदर सिरसा के अंदर वो चलती है और ऑड आवर्स में ही वहां पर आकर रुकती है, तो अगर उसमें आईसीएफ रैक लगेंगे तो थोड़ा सा जर्नी के लिए उनमें आसानी होगी। और मेरी जो संसदीय क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, वहां पर हमें किसान भाइयों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, तो जितनी भी ट्रेन मैंने आपको बताई है अगर रिज्यूम कर दिया जाएगा तो हमारे वहां पर संसदीय क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।